वेलकम फ्रेंड्स टू रेन हेल्थ केयर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैफ्टा आई ड्रॉप को लेकर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैफ्टा आई ड्रॉप क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, हम लोग इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं यूज कर सकते, इस ड्रॉप को हम लोग चिल्ड्रेन को दे सकते या नहीं दे सकते, प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते या नहीं दे सकते, एंड इसका जो साइड इफेक्ट एंड डोसेस के बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए जानकारी के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स जो कैफ्टा आई ड्रॉप है ये सन फार्मा का एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 269 रुपीज, जिसमें कॉम्पोजिशन के तौर पे रहता है एल्केफ्रेडिन 0.25% वेट वॉल्यूम में रहता है या 2.5 मिलीग्राम पर मिलीलीटर में रहता है। अब यदि इसका यूजेस, तो इसमें रहता है एल्केफ्रेडिन 0.25% जो कि एक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है। एल्केफ्रेडिन एक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है जो कि आंखों का एलर्जी कंडीशन को ठीक करने के लिए यूज में लाए जाते हैं। ये जो एंटीहिस्टामिनिक एल्केफ्रेडिन है ये कैसे काम करता है, ये जो केमिकल मैसेंजर है मतलब एलर्जी के लिए जो केमिकल मैसेंजर हिस्टामिन है उसको ब्लॉक कर देता है एंड आंखों का जो एलर्जिक सिम्टम्स जैसे कि इचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, वाटरिंग इसको ब्लॉक कर देते हैं, मतलब ठीक कर देते हैं। ठीक है, अब यह है कि इसको हम लोग कहां पे यूज करते हैं। पहले बोला कि एक एलर्जी कंडीशन को ठीक करते हैं, या आंखों का एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस हो गया, वर्नल के रेड कंजंक्टिवाइटिस हो गया, या कोई दूसरा फॉरेन पार्टिकल से एलर्जी हो गया आंख में, तब हम लोग एल्केफ्रेडिन आई ड्रॉप को यूज करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा माइंड में आता है कि ये जो एल्केफ्रेडिन इसको हम लोग क्या प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते, नहीं हम लोग इसको प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दे सकते। उसके बाद आता है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर, नहीं ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी हम लोग ये ड्रॉप प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। 4 साल से नीचे जो चाइल्ड है उसको भी हम लोग एल्केफ्रेडिन आई ड्रॉप जो कि कैफ्टा आई ड्रॉप इसको प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में अगर बात करें, तो अगर किसी पेशेंट का एल्केफ्रेडिन से हाइपर सेंसिटिविटी है या एलर्जी है, मतलब देने के बाद इचिंग बढ़ गया या फॉरेन बॉडी सेंसेशन या इरिटेशन बढ़ गया, तब हम लोग इस ड्रॉप को नहीं दे सकते या स्टॉप कर दे सकते, उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अब यदि कि डोजेस के बारे में, तो अगर डोजेस के बारे में बात करें तो इस ड्रॉप को डॉक्टर का प्रिस्क्राइब से ही आपको लेना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर जैसे प्रेस्क्राइब करते हैं वो सीवियरिटी के बेसिस पे प्रेस्क्राइब करते हैं। दिन में एक बूंद करके दे सकते हैं, दो बूंद करके भी, दो बूंद मतलब दिन में दो बार एक बूंद करके भी दे सकते हैं, उसके बाद दिन में तीन बार एक बूंद करके दे सकते हैं। ठीक है, उसकी सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि डॉक्टर कैसे प्रेस्क्राइब करेंगे या पेशेंट की सीवियरिटी कितना है, एलर्जी कितना हुआ है। ठीक है, आप यह देखिए इसके साइड इफेक्ट्स, तो साइड इफेक्ट के तौर पे आई में इरिटेशन हो सकते हैं, स्टिंगिंग सेंसेशन हो सकते हैं, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, बर्निंग सेंसेशन, ये सब होता है। ठीक है पेशेंट को, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किया कैफ्टा आई ड्रॉप क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसको हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्केफ्ट आई ड्रॉप को लेकर। ओके।